चुनाव के तीसरे राउंड की वोटिंग खत्म हो चुकी है और चौथे राउंड की रेस तेज हो गई है। चौथे राउंड में सिर्फ यूपी की अगर बात करें तो यूपी की 13 सीटों पर इस राउंड में वोटिंग होनी है और 130 उम्मीदवारों का भविष्य दांव पर है। इस राउंड के हिसाब से यूपी की सबसे अमीर कैंडिडेट सपा की अन्नू टंडन है। अन्नू टंडन को सपा ने उन्नाव सीट से चुनाव मैदान में उतारा है। इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में दी गई डिटेल में उन्होंने अपने पास 79 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बताई है। हालांकि पिछले 5 सालों में उनकी प्रॉपर्टी करीब 9 करोड़ रुपए कम हो गई है। 2019 के लोकसभा चुनाव में उनके द्वारा दिए गए शपथ पत्र में कुल चल अचल संपत्तियां 43 करोड़ 25 लाख रुपए घोषित की गई थी, जो 2024 के घोषणा पत्र में घटकर 34 करोड़ 16 लाख हो गई है। घोषणा पत्र के अनुसार उनके पास 2 करोड़ 85 लाख रुपए का सोना और 6,20,000 रुपए कीमत के चांदी और अन्य धातुओं के जेवर हैं। आत्मरक्षा के लिए वो अपने पास 1 लाख कीमत की पिस्टल रखती हैं। संपत्तियों के नाम पर शहर के मुजाबिर नगर सिविल लाइन के अलावा मुंबई में चल अचल संपत्ति है। इसके अलावा नगद 19,04,000 रुपए और बैंक खातों में 5,37,000 रुपए जमा है। वहीं इस राउंड में अमीरी के मामले में दूसरे नंबर पर अखिलेश यादव है। अखिलेश यादव ने अपनी 42 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति घोषित की है। सपा मुखिया अखिलेश यादव कन्नौज सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जबकि उनके खिलाफ बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे मौजूदा सांसद सुब्रत पाठक अमीरों की लिस्ट में 90 नंबर पर है। सुब्रत पाठक के पास 10 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति है। ओवरऑल बात करें तो चौथे राउंड में यूपी के 130 उम्मीदवारों में से 53 कैंडिडेट करोड़पति हैं, जिनमें बीजेपी के 13 में से 13 उम्मीदवार करोड़पति हैं, बसपा के 13 में से 10, सपा के 11 में से 10 और कांग्रेस के 2 में से 2 उम्मीदवार करोड़पति हैं। वहीं कम पैसों वाले उम्मीदवारों की अगर बात करें तो कुमारी पंचशीला आनंद सबसे गरीब उम्मीदवार हैं। कुमारी पंचशीला आनंद लखीमपुर खीरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं। वो यूपी रिपब्लिकन पार्टी की उम्मीदवार हैं। कुमारी पंचशीला आनंद ने अपनी संपत्ति शून्य घोषित की है। इसके साथ ही धौरहरा सीट से आम जनता पार्टी इंडिया के उम्मीदवार आशुतोष पाठक दूसरे नंबर के सबसे गरीब उम्मीदवार हैं। आशुतोष पाठक के पास 21,000 रुपए की कुल संपत्ति है। वहीं बहराइच सीट से राष्ट्रीय धारक दल के उम्मीदवार रिंकू सहानी के पास 25,000 की कुल संपत्ति है। चौथे राउंड में वोटिंग की बात करें तो यूपी की अकबरपुर, बहराइच, धौरहरा, इटावा, फर्रुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, कानपुर, लखीमपुर खीरी, मिश्रख, शाहजहांपुर, सीतापुर और उन्नाव लोकसभा सीट पर भी वोटिंग होनी है। वहीं अगर पूरे देश की बात करें तो 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसके लिए 1717 कैंडिडेट मैदान में हैं। खैर, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस खबर को लिखा है मेरे साथी अपूर्व श्रीवास्तव ने। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल। मेरे यानी अदिति शाह।